नमस्कार दोस्तों, देसी वैसी के चैनल पे आप सबको फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक नया वीडियो लेके मैं आप पहुँचा हूँ उड़ीसा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट मसापोली महाड़ों। मैंने पिछला वीडियो भी दिखाया था जो मछुआरे किस तरीके से मछली पकड़ के बेचते हैं, तो मैंने उस मछली का जो औरत है उसकी रेट क्या है, मछली की कीमत कितनी है, वो दिखाने के लिए मैं आप पहुँचा हूँ। तो अब तक के लिए हमारे चैनल पे जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए क्योंकि मैं आपको मछली ऑर्डर के अंदर ले चलता हूँ और मछली का क्या रेट है वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ का जो रेट है वो जानकारी लेते हैं। आए थे जो शूट करने के लिए तो भूख लग गया तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आलू का चॉप है और हरी मिर्च और प्याज और चटनी के साथ मुरमुरा है। चलिए और वो वाला जो पंगा मछली है वो 100 रुपये किलो, ये 100 रुपये किलो यहाँ पर मिल रहा है। इसका रेट क्या है? 220 रुपए किलो। देख रहे हो आप लोग, ये 550 रुपए किलो यहाँ मछली है। इसका कीमत अभी यहाँ पर 350 रुपए। साइज देख रहे हो, साइज देख रहे हो कितनी बड़ी है, कम से कम 5 किलो का होगा ये। 350 रुपए किलो यहाँ पर से ना थोड़ा मछुआरे कम दिख रहे हैं यहाँ पर, और मेरी चारों तरफ आप देख सकते हो पूरी सुनसान खाली पड़ा हुआ है। ये देख सकते हो, मेरे पीछे भी देख सकते हो, मैंने सब्जी हटा दिया और देख सकते हो मेरे पीछे बिल्कुल सुनसान। बारिश बहुत तेज हो रहा है आज, संडे है आज ना, जिसकी वजह से मछुआरे भी थोड़ा कम है और व्यापारी लोग भी कम आए, तो जिसकी वजह से मैंने आपको किनारे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप सब सोच रहे हो जो यहाँ पर तो मार्केट बड़ी ज़बरदस्त रहती है, मछली औरत भी है बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे, तो भीड़ तो यहाँ पर मछली का मतलब औरत तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। मछली का औरत तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये संडे और ऊपर से बारिश, और जिसकी वजह से थोड़ा आज मछुआरे कम आए हैं किनारे की ओर। हो सके आज रात को आएंगे तो कल सुबह आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डाउन है। ये तेलापिया है, ये 170 रुपये किलो यहाँ पर मिल रहा है। तो साइज साइज यही है और 70 रुपये कीमत है। टेंगरा है यहाँ पर, ये 200 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है यहाँ पर, और साइज देख सकते हो कितने बड़ी है और बिल्कुल जिंदा फ्रेश मछली है। ये देख रहे हो मेरे और बिल्कुल जिंदा है ये। ये झींगा का साइज देख रहे हो, ये 100 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है, और ये आमुदी है, और ये भी यहाँ पर 100 रुपये किलो, और साइज भी देख सकते हो आप लोग। एक किलो कितना? ये मटकी झींगा देख रहे हो आप लोग, और ये देखिए तोल के बेचा जा रहा है, और इसके साइज देखिए, ये भी 100 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है, 100 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर। छोटी 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 मछली किलो भैया 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है यहाँ पर। विदेशी मोरल मछली बोलते हैं इसको, और ये 150 रुपए किलो यहाँ पर बिक रहा है। मछली बोलते हैं और इसका कीमत 300 रुपए किलो यहाँ पर मिल रहा है, वो भी जिंदा, समझ सकते हो 300 रुपए किलो। और आपके वहाँ पर रेट कितना है आप कमेंट करके भी जरूर बताना मुझे। घना झींगा बोलते हैं इसको, और साइज देख सकते हो आप लोग, और ये ना 100 रुपए किलो यहाँ पर बिक रहा है। भाई पटुआ
रूडो। किलो? अरे किलो कितना गया ये? किलो? हाँ किलो। रेट क्या है? 160 रुपए किलो ये मिल रहा है यहाँ पर। भैया कतला कैसे दे रहे हो? कतला कतला जो मछली था वो 140 रुपए किलो यहाँ पर बिक रहा है, समझ सकते हो। जहाँ पर 300-350 रुपए किलो होता है यहाँ पर वो 140 रुपए कतला मछली है। थोड़ा बारिश की वजह से ना यहाँ मछली की मार्केट में थोड़ा मछली भी कम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा 10-20 या 50 रुपए का रेट का डिफरेंस नज़र आ रहा है। क्योंकि बारिश की मौसम भी है और बारिश की वजह से यहाँ थोड़ा सुबह सुबह मछली का मतलब उतना जमा हुआ नहीं है। हो सके थोड़ी वक्त गुजरने के साथ जो भी मछुआड़े होते हैं वो मछली लेके जैसे आएंगे वैसे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा मछली का जमा हुआ जैसे लगेगा तो उस हिसाब से थोड़ा सा रेट का फर्क नज़र आएगा। क्योंकि वही बोला मैंने, जो मछली सुबह सुबह इतना नहीं है, जो दूर से जो लोग व्यापार करने के लिए आते हैं तो उनको सुबह सुबह मछली उठाना है और अपने मार्केट में बेचना होता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा रेट का फर्क है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे और कुछ दिखाने के भी आपको कोशिश करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी है और आप समझ सकते हो इसकी रेट कितनी होगी, मात्र 200 रुपये किलो के हिसाब से ये बिक रहा है और इसको बनानी झींगा बोलते हैं। और साइज देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त साइज है और 200 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ बिक रहा है। देखिए और ये 100 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ बिक रहा है और देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा काकड़ा और बिल्कुल फ्रेश। मछली औरत का जो मालिक होता है उनसे आज बात करके देखते हैं जो आज मार्केट में मछली कम क्यों है और साथ में आज रेट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है, तो इसकी रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। एक मछली औरत का मालिक बोलिए या मैनेजर बोलिए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं सर मछली कम क्यों है। आज संडे है ना? संडे है इसलिए मछली कम है और बारिश के लिए भी मछली कम आता है। अच्छा बारिश के मौसम में थोड़ा हाँ मौसम बहुत ख़राब है ना इसलिए मछली कम आता है और इसी वजह से थोड़ा सा रेट का भी डिफरेंस है। रेट भी बहुत डिफरेंस है, बहुत कम रहा है मतलब मछली कम होने की वजह से रेट ज़्यादा है और व्यापारी भी नहीं आ रहा है ना। अच्छा बारिश की वजह से व्यापारी भी आ नहीं रहा और मछली की जो खपत होती है वो भी कम है, वो भी कम जिसकी वजह से इसके रेट ज़्यादा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देख सकते हो जो मालिक या मैनेजर है उनसे बात किया तो उसी बारिश और ठंडे और थोड़ा सा व्यापारी लोग कम आते हैं बारिश के मौसम में तो जिसकी वजह से थोड़ा सा रेट की डिफरेंस। ये जो छोटे छोटे नाव लेके ना जो मछुआरे जाते हैं जो किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है तो ये इसी तरीके से ना ये छोटा छोटा जो मछली देख रहे हो आप लोग और छटाई क्या हुआ मतलब हर प्रकार की मछली ये लोग ऐसे ही छोटे छोटे जाल डाल के पकड़ते हैं और ये लोग इसी तरीके से इनको बेचते हैं। ये देख सकते हो मागुर, देखिए वो पूरा वो भी देसी हाइब्रिड नहीं है, देसी मागुर है और झींगा मछली भी है। और उसके बाद ये देख सकते हो ये लोग इसको ऐसे छांट रहे हैं, छांटने के बाद जाके इसको अपनी जो मछली का ऑर्डर है वहाँ पर बेच। देखिए भाई साहब वो छोटा सा जो नाव है वहाँ से ये इस तरीके से मछली ले कर आ रहे हैं क्योंकि ये लोग ट्रॉलर में नहीं है, छोटे छोटे नाव में इस तरीके से मछली पकड़ते हैं और यहाँ पर छटाई करके इसको बेचते हैं। देखिए इसको धो के साफ किया जा रहा है वो मछली को, देख सकते हो किस तरीके से साफ कर रहे हैं इसको, फिर थोड़ा सा साफ सुथरा दिखेगा फिर मार्केट में इसकी सही रेट मिल जाएगा इन लोगों को। ये देखिए किस तरीके से धो के लाएँ और यहाँ पर देखिए इस मछली का चमक, समंदर का पानी देखिए किस तरीके से उफान मार रहा है यहाँ पर, देख सकते हो बारिश है और टाइफाइड की वजह से थोड़ा सा आज यहाँ पर मछुआरा कम दिख रहे हैं।